फ्रेंड्स, संधि प्रकरण के अंतर्गत बच्चों हम विसर्ग संधि के सूत्र पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि के सूत्र पढ़ते हुए हमने दो महत्वपूर्ण सूत्रों को सीखा है जो इस प्रकार है। नंबर एक, हशिच। यह सूत्र कहता है अत के परे रू तथा रू के परे हश प्रत्याहार होने पर रू बराबर उ आदेश हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक सूत्र ये। सूत्र नंबर दो, रोरी। रोरी सूत्र कहता है रे के परे रे होने पर रे का लोप हो जाता है। ये दो हमारे सामने महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों, ध्यान देना। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हश प्रत्याहार में कौन आता है। हश प्रत्याहार में बच्चों ह, य, व, र, ल तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, यहाँ रे भी आता है। आज हम यही सीख रहे हैं कि रे के परे रे होने पर अथवा अत के परे रे तथा रे के परे रे होने पर क्या होता है। ये दो सूत्र हमें आज समझने हैं। मैं आपको ये उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मनस धन रथः। बच्चों, प्रस्तुत उदाहरण में पदांत से बराबर रुत्व हुआ। ठीक है, किस सूत्र से हुआ, मैंने आपको समझाया है। यह सूत्र है से सजुषो रुहु। से सजुषो रुहु से पदांत से बराबर रुत्व आदेश हुआ, तभी सूत्र नंबर दो आता है, हशिचे। हशिचे सूत्र कहता है ए के परे रू तथा रू के परे हश प्रत्याहार होने पर रू बराबर उ आदेश हो जाता है। हमारा उदाहरण है मनर धन रथः। प्रस्तुत उदाहरण में ए के परे र तथा र के परे र विद्यमान है जो कि हश प्रत्याहार का है, अतः र बराबर उ आदेश हुआ। परंतु तभी बच्चों एक और सूत्र यहाँ कार्य कर रहा है जो है रोरी। यह सूत्र कहता है र के परे र होने पर र का लोप हो जाता है। हमारे उदाहरण में बच्चों मनर धन रथः, यहाँ पर रे के परे रे विद्यमान है। रे के परे रे विद्यमान होने से रे का लोप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, मनस धन रथः में दो सूत्र कार्य कर रहे हैं। मैं ये आपको स्थिति एक बार फिर बता देती हूँ कैसे। मनर धन रथः अशीचे से बन रही है स्थिति मन उ धन रथः तथा मनर धन रथः। रोरी सूत्र से स्थिति बन रही है मन रथः। मनस रथ है जो है हमारा मूल संधि, वहां पर दो सूत्र कार्य कर रहे हैं, हशिचे तथा रोरी। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें, किस सूत्र से यहाँ पर संधि करें, तो तभी एक महत्वपूर्ण सूत्र आता है, वी प्रतिषेधे परम कार्यम। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है बच्चों। यह सूत्र कहता है तुल्य बल का विरोध होने पर
परवर्ती सूत्र कार्य करता है। बच्चों यह तो हम जानते ही हैं, जब कुश्ती आदि खेलों में परस्पर मल्ल युद्ध आदि होते हैं तो वहां बलवान ही जीतता है। जब दो सूत्र एक शब्द में एक संधि में कार्य कर रहे हैं तो वहां कौन जीतेगा, कौन कार्य करेगा? ऐसी स्थिति में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद में दूसरा सूत्र आता है, वी प्रतिषेधे परम कार्यम। यह सूत्र कह रहा है जहां पर दो सूत्रों में परस्पर तुल्य बल का विरोध हो वहां परवर्ती सूत्र कार्य करता है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि इन दोनों सूत्रों में परवर्ती सूत्र कौन सा है। परवर्ती सूत्र का अर्थ समझते हैं बच्चों, पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र अध्यायों में लिखे गए हैं, ये 8 अध्याय हैं तथा इन 8 अध्यायों में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में सूत्र लिखे गए हैं, तो हम परवर्ती सूत्र को जानने के लिए ये देखेंगे कि कौन सा सूत्र बाद में आया है। तो हमने अष्टाध्यायी में देखा हशिचे जो सूत्र है यह तो अष्टाध्यायी के षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद का 114वां सूत्र है, ठीक है, तथा रोरी सूत्र 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। अब आप बताइए बच्चों, इन दोनों सूत्रों में परवर्ती सूत्र कौन सा है, अर्थात बाद में आने वाला सूत्र कौन सा है। तो हमने ध्यान से देखा कि हशिचे सूत्र 6 अध्याय में है तथा रोरी सूत्र 8वें अध्याय में है, अतः यहाँ पर रोरी सूत्र ने कार्य करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा वी प्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र कहता है। तो यहाँ रोरी सूत्र कार्य कर रहा था, परंतु तभी सूत्र आता है पूर्वत्रा असिद्धम। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है। यह सूत्र कहता है 8-2-1 के बाद आने वाले सूत्र 8-2 के पूर्व में होने वाले सूत्र के प्रति असिद्ध है। पूर्वत्र असिद्धम सूत्र कहता है 8-2-1 के बाद के जो सूत्र हैं वे सूत्र 8-2-1 के पूर्व में आने वाले सूत्र के प्रति असिद्ध है। तो बच्चों 8-2-1 अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद के प्रथम सूत्र के बाद आने वाले अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र तक इसका अधिकार है। अंतिम सूत्र कौन सा है बच्चों? यहां तक इसका अधिकार है। यह सूत्र कहता है कि मेरे बाद जितने भी सूत्र आएंगे वे सभी मेरे से पूर्व में आने वाले सूत्र के प्रति असिद्ध रहेंगे, ठीक है। प्रस्तुत उदाहरण में रोरी 8-3-14 है, अर्थात यह सूत्र 8-2-1 के बाद में आ रहा है, अतः यह सूत्र हशिचे 6-1-114 के प्रति असिद्ध रहेगा, अर्थात यह यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो फिर कौन कार्य करेगा? यहाँ पर हशिचे सूत्र कार्य करेगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ मनर्धन रथह में हशिचे सूत्र से संधि बनाएंगे। हमारी स्थिति बनी है मन ऊ धन रथ है, परंतु तभी सूत्र आता है आद गुण है,
यह सूत्र कहता है ए के परे उ होने पर दोनों के स्थान पर एक ओ गुणादेश हो जाता है। हमारी संधि सिद्ध हुई मनोरथ। बच्चों है ना संधि आसान, सूत्रों को थोड़ा क्रम में समझना है। मैं यहाँ आपको पूरा दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे बच्चों बालर धन रोदिति, आप ये तो समझ ही गए हैं रे कहाँ से आया है, रे ससजुष रू सूत्र से आया है। अतः हमारा सूत्र नंबर दो आता है हशिच। हशिच सूत्र कहता है ए के परे र तथा र के परे हश प्रत्याहार होने पर र बराबर उ आदेश होना है। तभी बच्चों एक और सूत्र यहाँ कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है रोरी। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के तीसरे पाद का चौदवा सूत्र है। यह सूत्र कहता है र के परे र होने पर र का लोप हो जाएगा। ऐसी दो स्थिति बनने पर हमारे पास में दो सूत्रों का यहाँ तुल्य बल प्रतीत हो रहा है। अतः सूत्र नंबर तीन आता है वि प्रतिषेधे परम कार्यम। पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का यह दूसरा सूत्र है 6.1.114 तथा 8.3.14 है। ये दोनों सूत्र जब एक जगह कार्य कर रहे हैं तो हमें 8.3.14 से अपना कार्य संपन्न करना है। 8.3.14 संधि करने ही वाले थे तभी एक सूत्र और आ गया और यह सूत्र है पूर्वत्र असिद्धम। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है 8.2.1। यह सूत्र कहता है कि मेरे बाद आने वाले सूत्र मेरे से पहले आने वाले सूत्रों के प्रति असिद्ध है। आगे बच्चों हमने देखा बच्चों रोरी सूत्र तो है 8.3.14 है, हशिच है 6.1.114 है। हमारी स्थिति यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गई बच्चों। क्या स्थिति स्पष्ट हुई कि यहाँ पर हशिच सूत्र कार्य करेगा। अब जब हशिच सूत्र कार्य करेगा तो हमारी क्या स्थिति बनेगी वो हम देख लेते हैं। ए के परे रे तथा रे के परे हश होने पर रे बराबर उ आदेश हुआ, स्थिति बनी बाल उ धन रोदिति। तभी बच्चों सूत्र आ गया आद्गुण है। यह सूत्र कहता है बच्चों ए के परे उ होने पर दोनों के स्थान पर एक ओ गुणादेश हो जाएंगे। अतः हमारी संधि सिद्ध हुई बालो रोदिति। हमारा उदाहरण है बच्चों मनस धन रथ है। प्रस्तुते उदाहरणे पदांत सकारस्य स्थाने स सजुषो रु इति सूत्रेण रुत्वं भवति स्थितिर भवति मन रु धन रथ है। तदैव बच्चों अत्र यतः अकारस्य परे रुत्वं तथा रुत्वस्य परे हश प्रत्याहारस्य रेफ अस्ति। अतः अत्र रू
इति अस्य स्थाने उत्तम भवति। परंतु तदैव अन्य सूत्रम अपि अत्र कार्यं करोति। एतत् सूत्रं वर्तते रोरी। रोरी इति एतत् सूत्रं कथयति यत् यदि रेफस्य परे रेफो भवति तर्हि रेफस्य लोपो भवति। अतः एव अत्र द्वे अवस्थे वर्तेते। मन ऊ रथ है, अन्य च मन रथ है। अत्र तुल्य बलस्य विरोधो अस्ति। अत्र द्वे सूत्रे कार्यं कुरुतः। अतः प्रथम अध्यायस्य चतुर्थे पादे द्वितीयं सूत्रम् एतत् कथयति यत् यदि द्वयो सूत्रयो तुल्य बलस्य विरोधो वर्तते तर्हि पर्वति इति सूत्रं कार्यं करोति। अत्र हशी च 6114 वर्तते। पुनः रोरी सूत्रम 8314 इति वर्तते। अतः अत्र वी प्रतिषेधे परम कार्यम इति सूत्रानुसारेण अत्र रोरी सूत्रम कार्यम करोति। परंतु तदैव पूर्वत्र असिद्धम् इति एतत् सूत्रम अधिकार सूत्रम वर्तते। एतत् सूत्रम 821 इति वर्तते। अस्मात् परे यत् अपि सूत्रम भवति तत् सूत्रम तस्य पूर्व सूत्रम प्रति असिद्धम् वर्तते। अतएव अत्र यतः रोरी परवर्ती सूत्रम अस्ति तथा हशिचे एतस्मा सूत्रात् पूर्ववर्ती वर्तते। अतएव हशिचे इति एतत् सूत्रम अत्र कार्यं करोति। अनेन सूत्रेण अत्र मन उ रथ है स्थितिर भवति। अधुना अत्र आद गुण है इति एतत् सूत्रं कार्यं करोति। अनेन सूत्रेण अत्र एधन उ ओकारो भवति। संधि सिद्ध्यति। मनोरथ है ना। संधि आसान। कुछ उदाहरण दे देती हूँ जो आपको सिद्ध करने हैं सूत्रों के नंबर लिखते हुए। राघव राम है, बाल है रमते, देव या देवर्धन राजते। ये सब आपको करने हैं। कुछ नहीं है बच्चों। हशिच तथा रोरी सूत्र में तुल्य बल का विरोध है। अतः द्वि प्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र कार्य करता है तो हमें रोरी का प्रयोग करना होगा। परंतु रोरी सूत्र का भी पूर्वत्र असिद्धम यह सूत्र निषेध करता है तथा हशिच सूत्र से ही हमें संधि सिद्ध करनी है। संधि बहुत आसान है बच्चों। संस्कृत बहुत आसान है। प्लीज ध्यान से पढ़िए। जो सूत्र मैं पढ़ाती हूँ उन्हें आप क्रम से याद कीजिए। नहीं आए तो आप मुझे समस्याएं जरूर बताएंगे। थैंक यू।